विद्यार्थियों, आज का यह कालखंड आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस कालखंड में मैं गणित विषय के अंतर्गत ज्यामिति को लेकर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताने वाला हूँ। 17 मार्च को आप लोगों का गणित का प्रश्न पत्र है और इस प्रश्न पत्र को आप भली भांति हल कर सके, इस हेतु प्रत्येक प्रश्न बहुत ही अनिवार्य है। यदि ज्यामिति से संबंधित इन प्रश्नों को आप भली भांति समझ जाएंगे तो निश्चित तौर से हल करने में सक्षम भी होंगे। और ये जो प्रश्न है परीक्षा में 5 अंक के आएंगे और बहुत ही सरल है, यदि आप तरीके से इनको समझेंगे तो आइए हम समझते हैं और इनको किस प्रकार हल करना इस विधि को जानते हैं। जैसा कि प्रश्न एक मैंने लिखा है, समकोण की माप बताइए तथा गणित में समय की कोई एक माप लिखिए, जहां आप घड़ी की सुइयों में समकोण देखते हैं। अब देखिए, मैंने ये पहला प्रश्न पढ़ा, मैंने यहां पर कुल 3 प्रश्न लिखे हैं। पहले तीनों प्रश्नों को मैं पढ़ देता हूं, इसके बाद हम इसको हल करने का आपको तरीका बताएंगे। तो देखिए, दूसरा प्रश्न क्या है कि अधिक कोण की कोई एक माप लिखिए तथा घड़ी में समय की कोई एक माप लिखिए, जहां आप घड़ी की सुइयों को अधिक कोण में देखते हैं। तीसरा प्रश्न, न्यून कोण की कोई एक माप लिखिए तथा घड़ी में समय की कोई एक माप लिखिए, जहां आप घड़ी की सुइयों में न्यून कोण देखते हैं। अब विद्यार्थियों, इन तीनों प्रश्नों में से निश्चित तौर से कोई ना कोई प्रश्न अवश्य पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। तो इन तीनों प्रश्नों को देखने के पश्चात आप लोगों को समझ में आया होगा कि आप लोगों को कोणों के प्रकारों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो देखिए, कोण मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो 3 तरह के कोणों की हम बात करते हैं आपके प्राथमिक स्तर पर, ठीक है। तो इसमें पहला कोण आता है न्यून कोण, दूसरा आता है समकोण और तीसरा आता है अधिक कोण। इसके अलावा भी कोण है, किंतु प्राथमिक स्तर में ये 3 कोण सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इन पे हम संक्षेप में चर्चा करते हुए मैं आपको बता दूं कि किस प्रकार के कोण को हम न्यून कोण कहते हैं, किसे समकोण कहते हैं और किसे हम अधिक कोण कहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कोण किसे कहते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए एक तल है, ये एक पन्ना मान ले, एक पेज मान ले, ठीक। तो यहां पर कोई एक किरण किसी बिंदु से निकलकर एक दिशा में जाती है, ठीक है, अर्थात ये आगे अनंत दूरी तक जा रही है, और एक दूसरी किरण जो है इसी बिंदु से निकलकर कोई अन्य दिशा में जाती है, मान लो इधर चलेगी। तो इन दोनों के बीच में एक अंतर आता है, ये बात ठीक है, आपको देख रहे हैं यहां से इनकी दूरी, इनके बीच की दूरी है दोनों किरणों के बीच की, तो इसे क्या कहते हैं, हम कोण कहते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कोणों के प्रकारों की। तो कोण 3 तरह के बताए, जैसे न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण। अब समकोण सबसे पहले जान लेते हैं कि समकोण किसे कहते हैं। देखिए, जब किसी समतल पर एक किरण है, ठीक है, और दूसरी किरण एकदम उसको ऊर्ध्वाधर ऊपर जा रही है, ठीक, तो इनके बीच में इस प्रकार की आकृति बनती है, ठीक है। अब जब इनके कोणों की हम बात करते हैं, कोणों को जब हम मापते हैं तो कोणों को मापते हैं चांदे की सहायता से। चांदा के बारे में आप भली भांति जानते होंगे, ठीक है, डिग्री। तो जब दो किरणों के बीच जो अंतर ठीक 90 डिग्री का हो, 90 अंश का जिसे कहते हैं, वो होता है, तब उसे हम क्या कहते हैं, समकोण। और उसे हम इस प्रकार से दर्शाते हैं, आपको ध्यान रखना है इस प्रकार से दर्शाते हैं। और अब न्यून कोण की बात करें तो न्यून कोण क्या होगा, सीधे समकोण से कम। अब मान लो यहां से किरण ये है और ये जो किरण है ये ठीक 90 अंश पे है। अब ये किरण मान लो 90 अंश से एक अंश भी अगर कम हो जाती है, मान लिया जाए ये 89 अंश पे आ जाए, मान लो ये 90 अंश की जगह यहां हल्का सा झुक जाए ये, और ये आ जाए इसके बीच में जो इसकी माप है वो 89 अंश पे आए, तो ये क्या कहलाएगा, न्यून कोण कहलाएगा। अब इसके बाद 89, 88, 87, 86 लगा करके, मतलब पूरा कि यहां एक अंश तक की माप तक जितने भी कोण होंगे, ठीक, वो सभी न्यून कोण कहलाएंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि न्यून कोण की जो माप है वो ठीक 90 अंश से कम, और जो शून्य अंश, शून्य अंश किसे कहेंगे वो भी समझ लीजिए, एक शून्य कोण भी होता है। यदि एक कड़ के ऊपर दूसरी कड़ उसी के ऊपर सीधे हो तो यहां पर कोई भी कोण नहीं बनता, अर्थात शून्य बनता है, यानी इसे शून्य कोण कहते हैं। तो शून्य कोण से ज्यादा और 90 अंश के कोण
के बीच की जो माप होती है उसे हम कहते हैं न्यून कोण। ठीक है, अब जान लेते हैं अधिक कोण के बारे में। जैसा अधिक कोण नाम है, अधिक का मतलब होता है ज्यादा, अर्थात किससे ज्यादा, 90 अंश से ज्यादा। यानी ये 90 अंश से इससे अगर एक अंश भी ज्यादा होता है, ठीक है, 91 हुआ मान लो, तो 91 हुआ तो ये भी क्या कहलाएगा, अधिक कोण कहलाएगा। 91 अंश का तो 91, 92, 93 से लगा करके एक सरल रेखा के रूप में जब दूसरी किरण नहीं आ जाती, तो यहां पर देखिए ये जो सरल रेखा के रूप में आ जाने पर ये सीधे एक दूसरा कोण बन जाता है, इसे कहते हैं ऋजु कोण या सरल कोण। तो इससे कम होना चाहिए ना, ऋजु कोण से कम, यानी कुल मिला के हम इसको कह सकते हैं 179 अंश तक, 179 अंश तक यदि इस कोण की माप रहती है तो ये क्या कहलाता है, अधिक कोण। यानी अगर हम इसको देखें तो समकोण यानी 90 अंश से ज्यादा और ऋजु कोण यानी सरल कोण से कम का जितने भी जो कोण है, जितने भी मापक माप के कोण है, वो सभी क्या कहलाते हैं, वो अधिक कोण कहलाते हैं। अर्थात हम कहते हैं 91 अंश, 92 अंश, 93 अंश, 94 अंश से लगा जितने जाए तो 179 अंश तक के जितने भी कोण होंगे वो सारे कोण क्या होंगे, अधिक कोण होंगे। इस तरह न्यून कोण 90 अंश यानी 89 अंश से लगा करके 0 अंश से यानी 1 अंश तक के जितने भी कोण है वो न्यून कोण कहलाएंगे। अब इससे एक बात स्पष्ट हो रही है कि न्यून कोण और अधिक कोण की माप भिन्न भिन्न हो सकती है, किंतु अधिक है 90 अंश, यदि 90 अंश का है उसी कोण को हम समकोण कहेंगे, जबकि अधिक कोण में माप बदल सकती है, न्यून कोण में माप बदल सकती है। आपने इस बात को देखा और आप समझ भी गए होंगे कि न्यून कोण किसे कहते हैं, समकोण किसे कहते हैं, अधिक कोण किसे कहते हैं। अब चलिए हम इन प्रश्नों की ओर चलते हैं और जैसा कि प्रश्न कह रहा है उसके आधार पर उनको हल करने का हम प्रयास करते हैं। तो पहले प्रश्न में चलते हैं, तो पहला प्रश्न क्या कह रहा था कि समकोण की माप बताइए। यहां हमने हल लिख दिया है, ठीक है, समकोण की माप अभी हमने आपको बताया 90 अंश, तो आपको लिखना है हल में समकोण की माप बराबर 90 अंश, और अंश के लिए अर्थात डिग्री के लिए इस प्रकार का बिंदु उसके ऊपर बनाया जाता है। ठीक है, जैसे हमने यहां 90 लिखे, 90 लिखे, इसके ऊपर हमने बिंदु बना दिया तो ये कहलाएगा डिग्री, 90 डिग्री या 90 अंश। तो ये हो गया इसकी माप। इसके बाद क्या कह रहा है कि घड़ी में समय की कोई एक माप लिखिए। समय की एक माप लिखना है जहां आप घड़ी की सुइयों में समकोण देखते हैं। आपने घड़ी देखा हो, ठीक है, घड़ी में कुल जो डायल होता है, खासकर हमारे जो दीवार घड़ियां होती है वो 12 घंटे वाली घड़ी होती है, इस प्रकार के मैं आपको बनाकर बताता हूं यहां पर। ठीक है, ये 12 का संकेत, ये 6 का, ये 9 का और ये 3 का, इसके बीच में 12 का 1 2, ये 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ठीक है, यानी 12 3 6 और 9। अब यहां पर बीच में कांटे होते हैं, तो कांटे की हम बात करें तो खासकर घंटा कांटा और मिनट कांटा। तो घंटा कांटा और मिनट कांटे के बीच की जो माप है, जहां पर वो समकोण बनाती है दोनों सुइयां, उसको लिखना है। तो देखिए मैं आपको बता रहा हूं कौन कौन सी स्थिति हो सकती है। पहली बात आप देखोगे जब 9 बजता है फिक्स, यानी घंटा कांटा होता है 9 पर और मिनट कांटा होता है 12 पर, तो यहां पर आप देखोगे यहां पर स्थिति बन रही समकोण की। ठीक है, इसी तरह दूसरी स्थिति और आती है, इसमें दूसरी स्थिति आती है कि यदि 3 बजा होता है फिक्स उस समय, घंटा कांटा होता है 3 पर और मिनट कांटा होता है 12 पर, तो यहां पर भी क्या बनता है, समकोण बनता है। ठीक है, कि दो स्थितियां मतलब इसी तौर से आप देखते हैं तो ये बनती है और ये आपको सरल भी पड़ेगी। बाकी अगर स्थितियां लिखोगे तो समकोण तो बहुत बार बनते हैं, ठीक है, किंतु ये दो स्थितियां आपके लिए सबसे सरल और बेहतर होंगी। तो आपको यह दर्शाना है, यानी आप क्या लिख सकते हो, अब यहां कह रहा है कि समय की माप लिखिए, तो आपको समय समकोण के समय की माप बराबर आप लिख सकते हो 3 PM ऐसा लिख सकते हो, या आप लिख सकते हो 9 AM PM, जो भी आपको लिखना है तो लिख सकते हैं। रात का 9 बजा है या दिन का 9 बजा है, ठीक है, रात का 3 बजा है या दिन का 3 बजा है, उसमें कोई दिक्कत बात नहीं। ठीक, तो इस प्रकार ये आप समय की माप लिख सकते हो। आपके ध्यान रखना है कि 9 और 3 ये दो समय को आपको लिखना है फिक्स, 3 घंटा और यहां सुने सुन मिनट दर्शाना है आपको, यानी 3 PM और ये 9 AM या 9 PM कर सकते हैं, इसमें आपको
छूट है एएम या पीएम, आप जो दर्शाना चाहें आपकी मर्जी से दर्शा सकते हैं, ये दो में से कोई भी। तो समय की माप होगी। और भी बेहतर तरीके से जानने वाला खुश हो जाए इसके लिए आप चित्र भी बनाकर बता दें, जैसा कि मैंने चित्र बनाकर बताया, ठीक है। तो कोई आप एक माप लिखे हैं, मान लो 3 बजे की बात बता रहे हैं आप, तो इस प्रकार आप घड़ी का चिन्ह बना, घड़ी का चित्र बना करके उसमें समय को दर्शा भी सकते हैं। एक बात ध्यान रखना है आपको, मैं आपको बता देता हूं कि ये समकोण होता है, ठीक है, ये मान लो समकोण है, तो समकोण के लिए इस प्रकार दर्शा जाता है, ठीक है, वो यहां लिखते हैं 90 अंश। जबकि न्यून कोण की हम बात करें, मान लो इस प्रकार हम गोलाकार रूप में ये दर्शा देते हैं, अधिक कोण को भी हम इसी प्रकार दर्शाते हैं, ठीक है जी। परंतु समकोण को इस प्रकार के संकेत से दर्शा जाता है, इस बात का ध्यान रखना है आपको। तो ये हो गया तुम्हारा प्रश्न क्रमांक 1। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 2 पर। प्रश्न क्रमांक 2 क्या कह रहा है, अधिक कोण की कोई एक माप लिखिए, ठीक है, कोई भी एक माप, तथा घड़ी में समय की कोई एक माप लिखिए जहां आप घड़ी की सुइयों को अधिक कोण के रूप में देखते हैं। ये तो समकोण से भी ज्यादा सरल है। अब कैसे सरल है इसको समझ लेते हैं। यहां कह रहा है कि अधिक कोण की कोई एक माप लिखिए, तो अधिक कोण की माप मैंने आपको बता चुका हूं कि 90 अंश से ज्यादा और 180 अंश से कम, तो कोई भी एक लिख दीजिए जो आपके मन में आए। इन 91 अंश लिख दिए, 95 अंश लिख दिए, 100 अंश लिख दीजिए, तो ठीक है, आप यहां लिख सकते हैं अधिक कोण की माप बराबर 100 अंश, ठीक है, ऐसा लिख दीजिए, या 91 अंश, 92 अंश, 93 अंश, यानी आप 91 अंश से लगा करके 179 अंश तक किसी भी डिग्री की माप को आप लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहां 100 अंश लिख दिया। अब आगे कह रहा है कि घड़ी में समय की कोई एक माप लिखिए। अब घड़ी में कोई भी एक समय की माप लिखना है, उदाहरण के लिए अब ये घड़ी बनी हुई है, इसमें कितना बजेगा तब अधिक कोण होगा, तो मैं आपको बता देता हूं। उदाहरण के लिए यहां पर 9:15 बजा दे, 9:15 मतलब 9 के थोड़ा आगे घंटा काटा होगा, और यहां पर 3 परफेक्ट मिनट काटा होगा, तब यहां पर जो स्थिति आएगी ये अधिक कोण वाली स्थिति आएगी, ठीक है। इसके अलावा अन्य भी स्थिति आ सकती है, और मैं आपको बता रहा हूं, उदाहरण के लिए 11:15 हुआ है, यानी घंटा काटा 11 के हल्का सा आगे, और मिनट काटा को फिक्स 3 पर, यानी 15 पर, यानी 5, 10, 15, ये 15 मिनट बताएगा, घंटा काटा 11 के ऊपर, यानी 11 है, 11:12 आता है ना, तो यहां पर भी आप देखेंगे ये अधिक कोण वाली स्थिति बताई जा रही है। तो यहां हम लिख सकते हैं अधिक कोण का घड़ी में समय बराबर आप लिख लीजिए, और ये 11:15 एएम या पीएम जो लिखना चाहे आप लिख सकते हैं, ठीक है, यहां आपकी जो इच्छा हो, तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं, ठीक है, कोई भी माप हो सकती है। उदाहरण के लिए मैं कांटे को यहां पर इस प्रकार में दर्शाता हूं, उदाहरण के लिए यहां पर 7:15 है, ठीक है, घंटा कांटा को 7 मिनट आगे, और यहां पर ये कर दिए, तो यहां पर भी अधिक कोण बन रहा है, तो हम लिख सकते हैं यहां पर 7:15 एएम पीएम जो आपको लिखना चाहे आप लिख सकते हैं, ठीक है, तो यहां पर भी अधिक कोण बन रहा है 7:15, ठीक। तो ये आपको क्लियर समझ में आ गया। तो अब क्या करना है, ये दो स्थिति लिखना है और आपको चित्र भी बना करके दर्शा देना है। अब हम तीसरे सवाल पर चलते हैं, न्यून कोण की कोई एक माप लिखिए तथा घड़ी में समय की कोई एक माप लिखिए जहां आप घड़ी की सुइयों में न्यून कोण देखते हैं। ये इन दोनों से सरल है, आपको हमने बता चुके हैं कि 90 अंश से कम और 0 अंश से ज्यादा की कोई भी एक माप हो वो न्यून कोण कहलाती है। तो देखिए सबसे पहले हम लिख सकते हैं समय को यहां हल, तो सबसे पहले न्यून कोण की माप बराबर आप कुछ भी लिख सकते हैं, 1 अंश ले सकते हैं, 2 अंश, 3 अंश, 4 अंश से लगा करके 89 अंश तक जो आपको लगे वो लिख सकते हैं। आप 45 अंश लिख दिए, 45 अंश या 45 डिग्री, ठीक है, ये न्यून कोण की एक माप होगी। 60 अंश ले सकते हैं, जो आपके मन में आए आप वो लिख सकते हैं। अब बात आती है घड़ी में समय की माप, तो देखिए घड़ी में कई बार न्यून कोण होता है, जैसे उदाहरण के लिए हम यहां बात करें 1:15 की, तो यहां पर न्यून कोण हो रहा है,
ठीक है, 1:20, ठीक है 1:20, तो भी यहां न्यूनतम हो रहा है। तो इस तरह आप देखेंगे कि समकोण से कम हो और कांटे एक के ऊपर एक ना रहे, ऐसी जब स्थिति आती है तो वहां पर न्यूनकोण बनता है। अब इसके लिए आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो घड़ी में न्यूनकोण की स्थिति हेतु समय बराबर, आप लिख सकते हैं ठीक है 1:15, ऐसा देख सकते हैं। इसके अलावा भी समय हो सकता है, आपको हम बता रहे हैं, जैसे यहां पर 7:30 है, ये 7 और 8 के बीच बीच में घंटा काटा होगा और फिक्स 6 के ऊपर, यानी मतलब 5, 10, 15, 20, 25 और 30, यानी 7:30, यानी कुल मिला के यहां पर न्यूनतम की स्थिति आएगी। तो आप यह भी लिख सकते हैं 7:30, यहां एएम या पीएम आप जो लिखना चाहें वो लिख सकते हैं, क्योंकि ये 2 बार समय आते हैं ठीक है जी। तो इस तरह से कहना चाहिए आप घड़ी के समय को दर्शा सकते हैं, मतलब न्यूनकोण तो बहुत दो बार बनता है। मैंने जैसा कि आपको बताया कि सबसे सरल प्रथा है न्यूनकोण और अधिकोण की माप लिखना और घड़ी में समय दर्शाना। तो विद्यार्थियों इस तरह से मैंने इन तीनों प्रश्नों को आपको हल करके बताया और एक तरीका भी बताया कि आपको किस प्रकार परीक्षा में इनको हल करना है। यदि आप समय की माप लिखते हुए चित्र बनाकर भी दर्शाते हैं तो ज्यादा अच्छा होगा ठीक है। अगले कालखंड में फिर हम नए प्रश्नों के साथ आपके सामने आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद।